हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट हैशटैग डेली अपडेट न्यूज़ में कहा था कि भाई सैमसंग की तरफ से जो One UI 3.0 का रोड मैप है तो उसका कुछ हिंट हमें देखने को मिला था और वहां पर मुझे एक पोस्टर देखने को मिला, उसमें उन सभी डिवाइसेस के नेम लिखे थे जो कि एंड्रॉयड 11 के लिए एलिजिबल थे और उनके डिवाइस में आने वाले मंथ्स में हमें One UI 3.0 का अपडेट भी मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग के एग्जैक्ट कौन कौन से डिवाइसेस होने वाले हैं जिनमें कि एंड्रॉयड 11 और उसके साथ One UI 3.0 का अपडेट भी मिलेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक ताकि आप हर एक डिवाइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसा कि सैमसंग अपने हर डिवाइस के साथ करता है, एटलीस्ट 2 मेजर OTA अपडेट्स आपको मिलेंगी ही। तो जो भी सैमसंग का डिवाइस आप यूज करते हो, चाहे 5000 का हो चाहे 50000 का, एटलीस्ट 2 मेजर OTA अपडेट्स आपको रिसीव होंगी। जैसे कि अगर अभी आप एंड्रॉइड 10 पे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिला है तो उसके साथ ही एंड्रॉइड 12 तक आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसा कि मैंने पहले कंफर्म किया, चाहे आपका डिवाइस 5000 का हो चाहे 10000 का हो। और अभी तो रिसेंटली सैमसंग ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि सैमसंग के कुछ जो ए सीरीज के स्मार्टफोन है, A71 और आई थिंक कि उस लिस्ट में A51 नाम भी था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ जो सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज है नोट 20 और S20, तो उनमें हमें 3 मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं। मतलब वो तीनों स्मार्टफोन्स हमें एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च होते हुए देखने को मिले थे, तो उनमें एंड्रॉइड 13 तक अपडेट्स मिलेंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात जो है सैमसंग की मुझे लगती है, सैमसंग अपने हर डिवाइस के लिए टाइम टाइम पे और काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता है। तो अभी भी जो है ये लिस्ट निकल कर आई है बिल्कुल जेन्युइन लिस्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया है कि एटलीस्ट आपको 2 मेजर OTA अपडेट्स मिलेंगी ही, चाहे आपका स्मार्टफोन 5000 का हो चाहे 1,00,000 का हो। तो अभी मैं आपको ये लिस्ट यहाँ पर कन्फर्म करके बता देता हूँ और अभी मैं आपको ये जो पोस्टर आया तो ये भी अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं सैमसंग की नोट 20 सीरीज, इनमें हमें One UI 3.0 का अपडेट मिलने वाला है जो कि एंड्रॉइड 11 के साथ होगा। और इन डिवाइसेस के लिए जो बीटा वर्जन है वो भी अभी स्टार्ट कर दिया गया है, तो दिसंबर से इन सभी डिवाइसेस में हमें जो स्टेबल अपडेट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सैमसंग की G Fold सीरीज है तो उसमें भी हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाला है। और उसके साथ नोट 10 सीरीज, S10 सीरीज और S10 सीरीज, मतलब जितने भी ये स्मार्टफोन्स हैं तो इन सभी में हमें ये अपडेट्स मिलने वाले हैं। मतलब जितने भी फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं सैमसंग के आप जानते ही हैं, तो उन सभी में हमें ये अपडेट मिलेंगे। और जो S9 है तो आई थिंक कि S9 में भी हमें ये अपडेट मिल सकता है जैसा कि सैमसंग ने वादा किया है। अगर S9 एंड्रॉइड 9 के साथ लॉन्च हुआ था तो उसमें हमें 2 अपडेट्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रही कि भाई S9 जो है कौन से वर्जन के साथ लॉन्च हुआ था, तो आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि S9 अगर एंड्रॉइड ओरियो के साथ लॉन्च हुआ तो उसको अब एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं मिलेगा। अगर वहीं हम सैमसंग के बजट जो डिवाइसेज हैं उनके बारे में बात करें या एंट्री लेवल के भी कुछ डिवाइसेज हैं, तो सैमसंग A01 कोर, तो आप जानते हैं ये दोनों डिवाइसेज जो हैं 7000 के नीचे हमें देखने को मिलते हैं, फिर भी इन दोनों डिवाइसेज में हमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात जो है किसी भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के लिए होगी। क्योंकि आप जानते हैं रियलमी की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, तो उनके जो डिवाइसेज हैं उनको एक एक जो मेजर OTA अपडेट है वो भी रियलमी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं कि स्मार्टफोन्स तो अपने मार्केट में लॉन्च कर देती हैं लेकिन जो उनके अपडेट्स होते हैं तो उनको प्रोवाइड नहीं करती है। इसी के साथ सैमसंग A21, A31, A41, A42 जो कि अभी बाहर लॉन्च हो चुके हैं, A51, तो ये सभी डिवाइसेज हैं जिनमें हमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलेगा। मतलब कि जितने डिवाइसेज ए सीरीज और एम सीरीज के हैं तो उनको तो ये अपडेट मिलेगा, क्योंकि ए सीरीज और एम सीरीज आई ही तभी थी जबकि हमें एंड्रॉइड 9 और एंड्रॉइड 10 के अपडेट मिलना स्टार्ट हुए थे। तो इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट सिंपल से आपको ये चेक करना है कि क्या आपके डिवाइसेस को
टू OTA अपडेट्स मिल चुकी हैं या नहीं। तो इसके साथ ही सैमसंग की जो टैब सीरीज है तो उसमें भी आपको यही बात जो है कंफर्म करनी जरूरी है कि भाई जो आपकी टैब सीरीज है उसको टू मेजर OTA अपडेट्स मिले हैं या नहीं। अगर एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिल चुका है तो अभी तक आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलना बाकी है। अगर एंड्रॉइड 8 से आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिल चुका है तो एंड्रॉइड 11 का वेट आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी लिस्ट यहाँ पर कन्फर्म करवा दी है। इन सभी डिवाइसेस में हमें सैमसंग के OneUI 3.0 उसके साथ ही एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी मिलने वाला है। दोस्तों बस अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो जरूर से आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और इस लिस्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे से जरूर से कमेंट करके बताइए ताकि हम जान पाएं कि भाई हाँ आप लोगों का ये ओपिनियन इस लिस्ट के बारे में है। थैंक्स वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।